हम लोगों को बहुत कम टाइम लगता है तैयार होने में। अपने पति का नाम भी होता है किसी किसी का, तो बहुत सारी चीजें पहनी हुई है। अंजलि ने अपनी हल्दी की साड़ी पहनी हुई है। यहाँ पे दोनों की प्रैक्टिस चल रही है, हो रही है प्रैक्टिस ढंग से। सबसे पहले हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और दिन तो हम कहते हैं कि हमारे खूबसूरत पहाड़ों से, लेकिन आज हमारे सिटी में, रुड़की में, और ट्रेन की पटरी के बगल से आज की शुरुआत हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन में घूम फिर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल हम लोग आए हैं अंजलि के ससुराल में, और हम लोग तैयार हो रखे हैं हल्दी के लिए। हल्दी के लिए मैंने ये आउटफिट पहना है। सूरज दिखाओ, कैमरे के पीछे सूरज है, और ये है मेरा पूरा आउटफिट, और ये मैंने पहली बार पहना है आज। ये मैंने शादी के लिए ही शॉपिंग की थी। कभी भी शादी हो और ऐसी चिंता हो जाती है कि मौसम खराब ना हो जाए, जो कि कल से होने लग गया था बूंदाबांदी, लेकिन आज बढ़िया धूप खिल गई है। हील्स लेने के लिए तो मैं ले लेती हूँ और पहन भी लेती हूँ, लेकिन चलना इतना मुश्किल हो रहा है, मुझे इतने संभल संभल के सीढ़ियों में चढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने कर लिया है नाश्ता करना स्टार्ट। अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत कम टाइम लगता है तैयार होने में, इसलिए मैं जल्दी से 2 सेकंड में तैयार हो गई नाश्ता करने आ गई। कल रात को तो आपने देख लिया था, लेकिन अभी सुबह सुबह घर ऐसा लग रहा है, इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है, और सामान भी आ चुका है हल्दी का। आजकल ये जिसमें दुल्हन बैठती है हल्दी के वक्त, ये काफी चला हुआ है, वीडियो वगैरह में देखते थे, आज सामने भी देख लिया। कमरे में आते ही हमको सबसे पहले दिखी अंजलि, ये भी हो चुकी है तैयार। देखो कैसी लग रही है, आप लोग जरूर बताना अंजलि कैसी लग रही है। वैसे तो आप लोगों की फेवरेट है ही अंजलि। तो देखो क्या क्या है भाई, नई नई चीजें, नथ पहनी हुई है कानों के, दुल्हन की भाभी। अच्छा तो ये देखिए, ये है नया हैक, हम लोग जो सीखते हैं। हैक भी क्या ही है, मतलब सब लोगों को पता ही है, तो स्ट्रेटनर है, ये बालों को स्ट्रेट करने के लिए होता है वैसे, लेकिन साड़ी में भी काम आ जाता है। ये बहुत मोटी साड़ी है आजकल, ठोके ना वो नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता, तो इसको ऐसे करना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और फिर पल्लू लगाने के लिए आसान हो जाए। देखो हो तो रहा है ये, है ना। तो आजकल यही वाली साड़ियाँ ज्यादा चली हैं, तो इसके साथ आपको एक स्ट्रेटनर भी चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो मांग लेना, अगर आप चाहते हैं कि तरीके से हो जाए तो ये करने के लिए आपको, वरना ये भाई लगेगी नहीं, तुम चाहे जो मर्जी कर। तो अभी हो चुका है यहाँ पे हल्दी का पूरा डेकोरेशन तैयार, जो भी सामान हल्दी का होता है वो सारा आ चुका है। यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया है कि इस तरफ तो पूरा मार्केट का इलाका है, पूरी सिटी है एक तरफ समझ लो, और एक तरफ पूरा जंगल सा है। यहाँ से गुजरती है ट्रेन, हर 10 मिनट में ट्रेन आ रही है, और हम लोग छत में ही बैठे हुए हैं, जितनी बार ट्रेन आ रही है उतनी बार देख रहे हैं। और मम्मी भी रेडी होके आ गई है। मम्मी बोलो, कुछ बोल रही थी क्या? पीली पीली में तो दिखाई भी नहीं दे रही, पता है पूरा ऊपर से उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। हाँ आज पूरा पीला पीला सा हो रहा है। हम लोग ट्रेन देख रहे हैं, मैं कहा ट्रेन देखने आ जाओ, सब कुछ देख जाओ, ट्रेन नहीं दिखती बस। ये बच्चे मुझे बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास ये चीज है वो चीज है, तो मैंने कहा हाँ देखो मेरे पास ये देखो चरखी है, मेरे पास चरखी देख लिया देख लिया खटरा गई है ना गेम। देखो चरखी है मेरे पास, चरखी भी है, सब कुछ है। अंजलि लोगों के घरों के बिल्कुल बगल में यहाँ पे उनका एक खेत है, जहाँ पर कितनी सारी सब्जी हो रखी है, मतलब वो मार्केट से बिल्कुल भी सब्जी नहीं लेते, यहाँ तक कि घर के पीछे भी यहाँ उनकी बहुत सारी सब्जियाँ होती है। अभी आगे आगे मम्मी चल रही है और पीछे पीछे मैं चल रही हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत में हल्दी के लिए। मेरा साड़ी रहनी है ना, हाँ तो बहुत टाइम बाद तूने इतनी पतली साड़ी पहनी है ना, बहुत लाइट सी है। अंजलि को शायद साड़ी में चढ़ने में दिक्कत हो रही है, मतलब बार बार आ रही है और अपना पल्लू सही कर रही है यहाँ पे। काफी हैवी साड़ी है, उन्होंने बोला था ये कर्नाटक सिल्क है, बहुत कम वो होता है, मतलब पहना जाता है, ढंग से लगानी पड़ती है, तो हाँ तो बार बार ठीक कर रही है ये। ऊपर तो हल्दी चली रही है, लेकिन हम लोग लड़कियाँ लोग अपनी रील वगैरह ना बनाए तो ऐसा हो नहीं सकता, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हम लोग यहाँ पे रील बनाने के लिए आ रहे हैं अभी। और अंजलि की डिमांड है कि मैं पहाड़न, मेरा ठुमका पहाड़ी, उस पे वो क्योंकि उसने पहाड़ी लुक करा हुआ है, तो उस पे कौन सा गाना है तेरी मर्जी का, यही वाला।
तो वैसे तो चारों तरफ डेकोरेशन हो ही रखी है, लेकिन यहाँ पे भैया बढ़िया से फूल लेके आए हैं। भैया फूल होते हैं साल के हर महीने किसी भी टाइम, आप लोग खुद ही लगाते हो इनको? अच्छा, तो भैया यहाँ पे गेट से जाने के लिए आ रखे हैं, तो ये बढ़िया से फूल लेके आ रखे हैं। फूलों को देख के तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों की प्रैक्टिस चल रही है, हो रही है प्रैक्टिस ढंग से? हाय, हाँ तुम दिखती हो। अच्छा, इतना ज्यादा हम लोगों को लगाया, मेरे जी जी ने लगाया ये पूरा। ये बोल रही मेरे को भी दिखा मैं कैसी लग रही हूँ, ये देख। कोई बात नहीं, हल्दी सूप होती है। मतलब अभी नाश्ता हो रहा है, पकौड़े वगैरह। जय खड़े होके नाचिए, अब ऑर्डर आ गया। जय तो मैं नथ पहन लिया, अंजलि की अंजलि उतार रही थी। कोई भी कुछ भी होता है, कोई चेंज कराओ तो मैं पहन लेती हूँ। तो अंजलि को भी अभी तक चीजें मिली रही है, मतलब उसकी शादी को इतना टाइम हो गया, जो भी उसके मेहमान आ रहे होंगे। तो अभी ये बाहर जा रही थी, किसी ने इसको कुछ दिया। किसने दिया ये? ताई जी लोगों ने। अच्छा, जो घर छह ससुर जी को कितने हैं? छह भाई हैं तो सबने एक ही ससुर। अच्छा, ससुर जी लोग छह भाई हैं। तो कहाँ घर से आ रखे हैं वो? कहाँ से आ रखे? अच्छा, लंगासू से आ रखे हैं। उसके ससुराल अंजलि का वैसे ससुराल लंगासू है चमोली में। तो सात अब महिला संगीत की तैयारी होने लग गई है। थोड़ा चेहरे का मेकअप मैंने कर लिया, लेकिन कपड़ों में मतलब हैवी कपड़ों में सुबह से अनकंफर्टेबल हो रहा है। हैवी तो क्या है, पर फिर भी थोड़ा नए कपड़े होते हैं तो लग ही जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में कपड़े बदलती हूँ, तो थोड़ा वीडियो एडिट कर लेती हूँ। देखो, हर सेकंड में ट्रेन आ रही है, और ये इतने स्लो इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ झंडेरा स्टेशन है। तो ये इसलिए इतने स्लो आ रही है क्योंकि ये वहाँ पे रुकेगी अब, वरना कुछ तो बहुत स्पीड में भाग रही है। तो मम्मी आ गई है अपने महिला संगीत का आउटफिट लेके। तो मैंने कहा मम्मी तुम यहाँ पे बोर नहीं हो सकते, छत में आओ, 36 प्रकार की ट्रेन देखने को मिल जाएगी तुमको। अच्छा, तो मम्मी अपने आउटफिट दिखाने में बिजी है। कितनी साड़ियाँ ला रखी मम्मी? ज्यादा नहीं। कितनी? पांच। अच्छा, अभी तक मैं छत में चली गई थी, मुझे लगा कि महिला संगीत वहाँ पे हो रहा है, मैं सबसे पहले वहाँ पे चली गई, लेकिन वहाँ पे नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे होटल बुक है जहाँ पे शादी वगैरह होगी, तो महिला संगीत की व्यवस्था वहीं पे कर रखी। पाव बोल रहे बहुत अच्छा डेकोरेशन है। शादी कल है इसीलिए डेकोरेशन अभी थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, और शादी यहाँ पे होने वाली है इसलिए थोड़ी बहुत अंदर थोड़ी बहुत क्यों बहुत ज्यादा तैयारी हो गई है यहाँ। और मम्मी लोग भी आ रहे हैं सामने से, तो यहाँ अंदर ही आज महिला संगीत का प्रोग्राम है, और काफी सारी महिलाएं पहुंच गई हैं, काफी सारी अभी आने ही वाली हैं। ये लोकेशन मुझे बहुत प्यारी लगी, मतलब बहुत कुछ शायद ये शादी के लिए ही बना हुआ है, इस हिसाब से डेकोरेट करा हुआ है। इसका नाम है पुंडीर फार्म हाउस, तो उसी हिसाब से ये डेकोरेट हो रखा है। तो सारी पब्लिक आ गई है और उन्होंने खाना पीना भी खा लिया, और अंजलि इतनी देर में आ रही है अंजलि तो सबसे देर में आ रही है, सब खा लिया हमने। हाँ, लेट लतीफ है अंजलि पर। अब बहू रानी को बुलावा आ गया है कि उसको जाना है डांस करने के लिए। अंजलि को शर्म भी आ रही है? शर्म आ रही है? जा
हाजिरी। तो आप लोग कह रहे थे कि अंजलि की फैमिली वालों से मिलाओ, तो यहाँ पे बैठी हुई अपने खास खास रिश्तेदारों के साथ। पुपू जी आप भी आ जाओ इधर इधर, आप किनारे मत हो। तो यहाँ पे है नेहा, यानी अंजलि के हस्बैंड की मामी की लड़की, ठीक है। तो ये भी बहुत, वैसे मामी जी का ओहदा बहुत बड़ा होता है, वो आप लोगों को लंबा लग गया होगा। तो नेहा यहाँ पे बैठी हुई है, ये है अंजलि की मामी जी, और ये है देवरानी, देवरानी की जेठानी जी, ये है जेठानी जी यानी बड़ी है। और यहाँ पे है पुफू, इकलौती पुफू है आप, इकलौती, इतना बड़ा परिवार है और इकलौती पुफू है यहाँ पे बैठी हुई। मैंने आपको बताया कि इकलौती पुफू जी की दो लड़कियां हैं, और वो है ये बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। तो आप बताओ आप कहाँ कहाँ रहते हो? दोनों देहरादून रहते हो? अरे पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा, ये है चाचा जी यानी मेरे जिया जी के चाचा जी, और ये है बताइए ना, हाँ सबसे बड़े वाले। अच्छा सबसे बड़े चाचा जी, बीच वाले हैं। अच्छा आप लोग छह भाई बहन हैं? अच्छा, और यहाँ पे आप भाई बहन हैं हम, छह भाई एक बहन। अच्छा इकलौती पुपू जी, अच्छा ठीक ठीक। और यहाँ पे ये बड़ा जेठ है। अच्छा सबसे बड़े जेठ जी हैं, यानी उनके अंजलि के सबसे बड़े जेठ जी, यानी वो वहाँ पे हैं, उनके हस्बैंड हैं। मिलना जुलना तो ऐसे बहुत कम अवसर पे होता है, इसलिए मेरे को ज्यादा परिचय है नहीं। मेरे को अंजलि ने बता भी दिया तभी मेरे को याद हो नहीं रहा है। अंजलि की खास डिमांड पे पिछले एक घंटे से मेरे को परेशान करती हुई कि चल बाहर चल, तो इसका फोटो शूट सेशन चलेगा। हाँ हाँ हो चुका है, और सारी पब्लिक यहाँ से आ रही है इस समय बाहर। बैठो दीदी, डांस करने के लिए एनर्जी लेके जाओ, ठीक है, कमी मत करना खाने में। मम्मी ढंग से खाना, एनर्जी लेके जाओ फिर। हाँ वही तो। मम्मी तो खाना मंडू भी यहाँ पर, तो वहाँ पे हम लोगों को कोडिंग वगैरह भी मिलेगी, और मैं इतना सारा खाना लेके आई हूँ, एनर्जी लेके जाऊंगी और फिर खूब नाचूंगी। हम लोगों को मिल गई है कोल्ड ड्रिंक, पहले मना कर रहे थे, पर इन्होंने कहा था हम अमेरिका से आ रखे हैं, तो इन्होंने अपनी पावर दिखाई, हम फॉरन से आ रखे बोल। ये लो। हम लोग तो खा चुके हैं खाना, अंजलि खा रही है लास्ट में, क्या है ये? हाँ हलवा, मूंग का हलवा। तो इतना ज्यादा पेट फुल हो गया यार कि अब खाने का मन ही नहीं हो रहा है, लेकिन न्योत नहीं भरी ना, मन कर रहा है कि खाना था लेकिन पेट फुल हो गया।
मतलब लास्ट मील ऑफ द डे और लास्ट गाना मैं करके आ गई हूँ। तो समय आ चुका है आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलूंगी, ये मूंग का हलवा है, बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, बाय बाय।